गया शोर सारी नगरी रे आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे चेयर का पावर गया, टेबल का पावर गया, डंडे का पावर गया, लेकिन मेरा पावर तो वैसे का वैसे ही रहा। हाँ, ओ टोपी, शेर वाली टोपी जब तक तुम लोगों के सर पर है तब तक तुम लोगों में गुरूर है। टोपी उतरते ही तुम लोगों को मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि अमराज भी नहीं। क्या डायलॉग मारा। ए, जिनके सर पर टोपी है वो सामने आओ और टोपी उतारो। अरे बाहुबली, कहते हैं इस टोपी में बहुत पावर है, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिख रहा। पापा ने मुझे जो नाम दिया था वही हमेशा मेरी बाइक पर भी रहते हैं। रथ से हवा का रुख बदलता है और जब गणेश आता है तब तूफान आता है। अरे क्या है यार, लड़कियां अपने माथे की बिंदिया समझकर मेरी इज्जत करती हैं और तूने उन लड़कियों को छुआ तो तेरा विनाश। अरे अरे कौन है? जनता का दिया स्टार मेरे माथे पर है, ये तो सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन है। अरे स्टार चांद के कारण चमकता है, मैं तो सूरज जला दूंगा। जिस पर फैंस की दुआ हो उसकी उम्र लंबी हो जाती है। अरे मैं उम्र कम करने की हिम्मत रखता हूं, मेरी पावर बहुत ज्यादा है। अरे अरे पावर कुछ ज्यादा हो गया। ये पावर लेकर वो मुझसे टकराने आया था, कहां गया वो? अगर इस टोपी को परमानेंट अपने सर पे रखना चाहते हो तो मेरा कहा मानना पड़ेगा। इस गणेश को तुम्हारे डिपार्टमेंट में आए कितने दिन हुए? यही कोई 2 महीने सर। एनी मार्क्स, रिमार्क्स? रिमार्क्स तो कुछ भी नहीं, मार्क्स बहुत सारे हैं। वक्त निकल जाने के बाद भी वो एसीपी बना। ठेले वालों से लेकर कॉलेज स्टूडेंट तक के लिए वो रोल मॉडल है। पुलिस डिपार्टमेंट में जितनी इज्जत है उससे ज्यादा जनता में। मैसूर का चैलेंजिंग स्टार, लिटिल रेबल स्टार, ऐसे नाम दिए हैं लोगों ने उसे। फेसबुक, व्हाट्सएप से लेकर गूगल तक सब जगह वही छाया है। वैसे बात क्या है, इस इलाके को मैंने संभाला है ताकत के जोर पर। आज तक किसी की नजरें मेरे सामने नहीं उठी और जिसकी उठी उसकी दुनिया घुमा दी। पहली बार कोई अपनी टक्कर का मिला है। उस लड़के में जो एटीट्यूड है, इट्स डेंजरस। प्रताप काले के सामने आज तक किसी ने अपनी जुबान नहीं खोली और वो मेरे मुंह पर मुझे धमकी दे रहा है। उसके एटीट्यूड के आगे अगर मैं झुक गया तो मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, लोगों में मेरी दहशत खत्म हो जाएगी। उसकी कमजोरी क्या है ये तुम्हें साइलेंटली पता लगाना होगा कमिश्नर। कैसे हो छोटे? तुमसे तो अच्छा ही हूँ। और तुम अच्छे ही रहोगे क्योंकि मैंने ही तुम्हें ससुराल भिजवाया, वहां मेहमान नवाजी बहुत अच्छी होगी। तुम्हें तो ये बात पता ही होगा कि बलि देने से पहले उसे हार पहनाकर खिलाया पिलाया जाता है। उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या है कि तेरा एटीट्यूड मेरे लिए सरदर्द बन गया था, इस प्रताप काले का सरदर्द। ये कर्नाटका गवर्नमेंट मेरी जेब में है, फिर मुझसे ज्यादा उबाल तुझमें कैसे? मैंने पहले ही बताया था वो हमारे खून में है। ब्लड टेस्ट करवा ले, उसमें वो अब नहीं मिलेगा। मुझे उसकी जरूरत नहीं, चाहे आज हो या चाहे आने वाला कल क्यों ना हो, तुझे मिट्टी में मिलाने की ताकत इस कलेजे में हमेशा रहेगी। सलाखों के पीछे रहकर इस कलेजे की ताकत का क्या करेगा तू? अगर सचमुच मर्द का बच्चा है तो तू बाहर निकल और मुझे अंदर करवा। तुम कितने दिनों तक बाहर रहोगे? खाकी पहना हुआ शेर सलाखों के पीछे और मदमस्त हाथी बेड़ियों में अच्छे लगते हैं छोटे। खाकी पहने हुए शेर को बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता है, लेकिन मदमस्त हाथी को कई रास्ते होते हैं, आराम से निकल आता है। मेरा इंतजार करना, जल्दी मिलूंगा। गणेश, Oh,
नमस्ते छोटे मालिक। नमस्ते। बेटा, जब तू जेल से छूटकर आएगा, सोचा था तू मुझे चामुंडेश्वरी मंदिर ले जाएगा ना? ठीक है दादा। पर गाड़ी क्यों रोक दी? दादाजी, यहाँ का जो खाना है ना, वो बहुत ही लजीज है, चलिए खा लेते हैं। दादी, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन आप दोनों के जैसी जोड़ी आज तक नहीं देखी। अच्छा, आप दोनों आराम से खाना खाइए, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। बस यू गया और यू आया। कहाँ है वो? यही आया था ना?